पूरा वर्ल्ड आज कोरोना वायरस की वजह से दहशत में है और इसकी कोई भी वैक्सीन ना होने की वजह से ये और भी ज़्यादा डर की बात है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। किसी भी सरफेस को ज़्यादा टच ना करें, हाथ ना लगाएं, हर घंटे 2 घंटे के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करते रहें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाथ धोने का सही तरीका। तो चलिए सुमन के तरीके से हम अपने आप को कोरोना वायरस से दूर कैसे रख सकते हैं देख लेते हैं। हाथों को गीला करेंगे और हाथ पर थोड़ा सा लिक्विड सोप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड सोप लिया है, आप कोई भी सोप बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाथों को पहले सीधे हाथों को मलेंगे और फिर हम हाथ के उल्टी तरफ मलेंगे। दोनों हाथों को इसी तरह से मलेंगे एक एक करके। तो पहले हमने हाथों को सीधा मला, फिर उल्टा और फिर इस तरह से मुट्ठी बनाकर हम मलेंगे। तो ऐसा हम कुछ सेकंड लगातार करते रहेंगे और फिर अंगूठे को मलेंगे दोनों हाथों के और उंगलियों के बीच में भी अच्छे से साफ करेंगे। और फिर नेल्स को हम इस तरह से मलेंगे। तो तकरीबन 20 सेकंड से 25 सेकंड तक हम अपने हाथों को मलेंगे और लास्ट में हम कलाई को मलेंगे। और अगर आपके हाथों में कोई भी बैंगल्स वगैरह डाली हुई है तो उनको भी साबुन से साफ करेंगे। तो इस तरह से हाथ धोने से आप अपने हाथों को वायरस से बचा सकते हैं। तो ऐसा आप हर घंटे 2 घंटे के बाद कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। तो सुमन के का मैं आपको मतलब बताने वाली हूँ। तो सुमन से एस से हमने सीधे हाथ को धोया था और फिर यू से हम उल्टे हाथ को धोया था और एम से हमने मुट्ठी बनाकर धोया और ए से हमने अंगूठे को साफ किया और एन से मतलब नेल्स को हमने अच्छे से साफ किया और के मतलब हमने कलाई को साफ किया। तो इस तरीके से आप अपने आप को वायरस से बचा सकते हैं। तो अभी आपने लास्ट में देखा होगा कि मैंने टैप को कोहनी से बंद किया है, हाथों से नहीं किया। सुमन के तरीके से आप अपने बच्चों को भी हाथ धोना सिखा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके से अपने हाथ धोकर अपने आप को बचा सकें।